हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे पूरा पूरा बेड भर रखा है कपड़ों से और नीचे भी, क्योंकि मैंने अभी बेड उठाया, उसमें से काफ़ी चीज़ें निकाली हैं, सब कुछ उथल पथल हो गया जो हमें पहनना है। और ऐसे ही कभी कभी जब आप कोई चीज़ निकालते हो तो ऑर्गेनाइज चीज़ भी बेकार कर देते हो। मैंने पहले से भी कुछ बेकार कर रखी थी और फिर अब मैंने सारी ऑर्गेनाइजेशन का एकदम हालत ख़राब कर दिया है। तो आयरन वगैरह करने मुझे कपड़े, ये वाली जो साड़ी है ये मैं पहनने वाली हूँ। इसका कलर भी बहुत प्यारा है और एकदम मतलब अच्छी है ये। देखिए ये वाली साड़ी आपने देखी होगी पहले। और मैंने अपने लिए कुछ ऐसा एक्सपेंसिव शॉपिंग नहीं किया बिकॉज मेरे पास बहुत सारा कुछ रखा हुआ है जिसको मैं अभी तक पहन नहीं पाती हूँ। तो जो मेरी अच्छी साड़ियाँ हैं वही मैं निकाल रही हूँ और उन्हीं को पहन रही हूँ। और ऐसे फंक्शन में जा रही हूँ जिसमें किसी ने मुझे उन कपड़ों में देखा नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पुराने ही पहन रही हूँ। तो इसमें करना है आयरन, ये आयरन करूँगी। और हस्बैंड के और सिद्धार्थ के सबके कपड़े मैंने निकाल के यहाँ रखे हुए हैं, कुर्ता वगैरह वो पहनने वाले हैं। और बस अभी सब अरेंज करना है। और मेहंदी के लिए ये वाला मेरा एकदम न्यू कुर्ता रखा हुआ है। मतलब कल मैं अपने सारे कपड़े देख रही थी ना, तो उसमें मेरी आँख में आ गया, मुझे ये याद भी नहीं था कि मेरे पास रखा हुआ है। तो मैं उस पर हल्दी पे गई थी तो मैं अपना येलो वाला सूट पहन के गई थी, वो तो आप लोगों ने देखा हुआ है। और ये है, अरे वाह, इसका तो पजामा भी बिल्कुल अलग है। जब इसको पहनूंगी तब मैं दिखाऊंगी, इसका जो बॉटम वेयर है ना बिल्कुल अलग शेप में है। और ये देखिए इसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी है, तो ये कम्फी भी रहेगा गर्मी में, क्योंकि काम काफ़ी करना पड़ता है ना, गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है, तो साड़ी मैं पहन नहीं पाती हूँ। और मेरी तबीयत भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बीपी एकदम दौड़ भाग इधर जाना उधर जाना, दोनों तरफ संभालना पड़ रहा है ना, तो मेरा बीपी एकदम, आज सुबह भी ऐसा था, लेटी हुई थी सुबह से मैं, और अभी थोड़ा सा क्योंकि करना ही है काम तो उठी हूँ, थोड़े कपड़े वपड़े ठीक करूँगी, आयरन वगैरह करूँगी। और इसमें भी वैसे तो ये नया ही रखा है, इसमें भी आयरन करना पड़ेगा क्योंकि फोल्ड ख़राब हो जाता है। तो बस चलिए, ठीक मार दी सिद्धार्थ ने, इनको आयरन वगैरह करती हूँ, फिर एक साथ इनको रखना है ताकि सुबह प्रॉब्लम ना हो। अभी मेरे पास बहुत सारा काम है और तैयारी तो हो गई है लगभग, मतलब सब कुछ मैंने आयरन वगैरह करके हैंगर में टांग के रख दिया है। ज्वेलरी वगैरह जो भी मुझे पहननी है, पायल और ये सब भी चेंज करना होता है ना, वैसे मैं पहनती नहीं हूँ तो मुझे चेंज नहीं करना है, पहनना ही है, वो सब मैंने निकाल के ना एक बकेट में रख दिया है। और कल जो मैंने वीडियो डाला जिसमें मैंने बताया था कि मैरिज हो रही है, उसमें सभी लोग एकदम शॉक हो गए कि अरे मैरिज की बात कहाँ से आ गई, और सब लोग कमेंट कर रहे हैं शॉकिंग शॉकिंग शॉकिंग। तो देखिए शॉकिंग जो है वो आपके लिए, मतलब जिनको अभी न्यूज़ मिली है उनके लिए हो सकता है, लेकिन हम लोगों को ना जनवरी लास्ट से ही पता है कि शादी कब होनी है, तो हमारे लिए शॉकिंग नहीं था। तो मम्मी यहाँ से गई थी नवम्बर में, और नवम्बर के बाद में घर का भी कुछ काम करवाना था, लाइक रिनोवेशन और डेंटिंग पेंटिंग ये सब भी बाकी था, कुछ बहुत पहले हुआ था एक बार, और उसके बाद उनको कथा करवानी थी लेकिन फिर वो बीच में टल गया, रुक गया, कोरोना भी आ गया था बीच में, काफ़ी पहले ही उनको ये सारी चीज़ें करवानी थी, तो वो सब कुछ उनको करवाना था घर में। तो नवंबर में वो लोग यहाँ से गए, और शादी की बात जो है वो हम जैन के लास्ट से ही जानते हैं कि शादी होनी है, और जो भी तैयारियाँ होनी थी वो सब हो रही हैं और हो चुकी हैं, सारी तैयारी हो चुकी है। तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि जो चीज़ आप कैमरे में नहीं देख रहे हो वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता। कैमरे के पीछे बहुत कुछ चलता रहता है। और मैं ऐसी भी डेली व्लॉगर नहीं हूँ कि हर दिन मैं व्लॉग बनाती हूँ, मेरे बहुत सारे दिन मिस हो जाते हैं, और उसमें मैं क्या कर रही हूँ वो किसी को नहीं पता होता। और जिस दिन मैं व्लॉग भी बनाती हूँ उस दिन अगर मान लीजिए वो आधा मिनट का मैंने क्लिप नहीं डाला होता कि मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, सिस्टर की मैरिज है, तो आपको तब भी नहीं पता लगता। और लेकिन मैं
तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैं शॉपिंग के लिए गई हूँ, वो सब हो रहा है बट आपको नहीं पता चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको एकदम फटाफट एक ही झटके में जज नहीं करना चाहिए। और किसी चीज़ को शेयर करना और नहीं शेयर करना, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, कोई एक रीज़न नहीं हो सकता है कि जैसे सिर्फ एक जो ब्लॉगर है उसके ऊपर आप जैसे स्टार्ट कर देते हैं बोलना कि ये होगा, यही होगा, यही रीज़न है, यही, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। और परिवार में जो रहता है ना, परिवार में 100 तरह की चीज़ें होती हैं जिसको आप ऐसे खोल खोल के नहीं हर जगह आप बता सकते हो। आप अपने फ्रेंड सर्कल में बता सकते हो, आप अपने रिलेटिव्स में बात कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, बट हर चीज़ को आप इस तरीके से कैमरे के सामने नहीं बोल सकते, बिकॉज़ ये कहाँ कहाँ कौन कौन देखता है, दोस्त दुश्मन, किसी को नहीं पता होता है। और शॉकिंग आपके लिए बस इसीलिए था बिकॉज आपको अभी पता चला, हमें पता था जैन के लास्ट से ही, मतलब जनवरी के लास्ट से ही सब कुछ पता था। और वहाँ पे सब तैयारी भी चल रही थी, मामा जी भी आए हुए हैं, तो सब कुछ हो गया है, सारी तैयारी हो गई है, किसी उसकी बात नहीं है। और दूसरा, आजकल मैं वैसे भी बहुत डल हो रखी हूँ, पिछले एक वीक से मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और एक तो ये दौड़ भाग, मैं एकदम खड़ी दोपहर में जाती हूँ आती हूँ। और पहले मैं 2 साल पहले जब कोरोना नहीं था ना, उस टाइम धूप में आना जाना बहुत मेरा नेचुरल था, एवरीडे हम लोग करते थे। अभी मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि मैं धूप में निकलती हूँ, उसके बाद मुझे पूरा बॉडी पेन, सर में भारीपन और वीकनेस, पता नहीं एग्जैक्टली मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या हो रहा है। अभी तो खैर मेरा थोड़ा बीपी भी फ्लक्चुएट हो रखा है, बिकॉज डेली आना जाना मुझे इधर का भी काफ़ी कुछ संभालना पड़ रहा है और उधर का भी, जाती हूँ आती हूँ और काफ़ी दूर है यहाँ से, तो मुझे दिन में ट्रैवल टाइम ही मेरा बहुत हो जाता है, तो वो चीज़ भी अभी तो इफ़ेक्ट कर रही है। लेकिन इससे पहले भी मेरी 1 वीक से ही काफ़ी कुछ मेरी तबीयत में गड़बड़ चल रहा है। और तबीयत ख़राब होने का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि कोई प्रेगनेंट ही है, बिकॉज बहुत, जब भी मैं बोलती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं प्रेगनेंसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तबीयत ख़राब होने के बहुत मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं, तो मेरे भी कुछ रीज़न्स चल रहे हैं, बट वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ भी मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ का भी ऑपरेशन हुआ है, माँ भी यहाँ की चीज़ें उतना समझ नहीं पाती हैं, वो वहीं के हिसाब से काम कर पाती हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ मुझे बता करके करके जाना पड़ता है। उसके बाद फिर वहाँ भी है, वहाँ भी सारा जा करके खाना बनाना, सब कुछ करना, जो भी काम है, बहुत सारे काम है। थोड़ा ट्रैवल में, थोड़ा इस चीज़ में भी मेरी तबीयत जो है ना, एक हफ्ते से काफ़ी बिगड़ी सी हुई है। तो जब भी कोई बात सामने आती है ना, तो उसको बहुत तरीके से अपने दिमाग, अपनी सिचुएशन, अपनी सोच के हिसाब से ना, लोग बहुत तरीके से सोचते हैं, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, बट हो तो बहुत कुछ सकता है। किसी भी एक चीज़ के पीछे ना मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, एक वर्स रीज़न भी अपने दिमाग में इंसान सोच सकता है और एक बहुत उसका छोटा सा भी रीज़न हो सकता है। तो इसीलिए ना, मतलब इतना ज़्यादा ओवर जज आप सिचुएशन को मत कीजिए कि ये एकदम सरप्राइजिंग, शॉकिंग, कैसे, क्या। और जो भी न्यू कपल हैं, मेरी सिस्टर जिसकी शादी हो रही है, तो बस वो, उसकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी हो, सब लोग अच्छे से रहें, खुश रहें आगे, उस चीज़ की मैं कामना करती हूँ। और आप लोगों से ही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप कामना करें और उसको आशीर्वाद दें कमेंट सेक्शन में, और किसी भी तरीके का ऐसा कोई कमेंट ना करें जिससे मैं या कोई भी रिलेटेड पर्सन जो है वो पढ़ के हर्ट हो, क्योंकि हम सभी लोग एट द एंड यही चाहते हैं कि कोई भी लड़की शादी होकर अगर जाती है तो उसको अच्छा ससुराल मिले, अच्छा हस्बैंड मिले, अच्छा पति मिले, समझदारी से सब लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें। तो उसी की कामना आप लोग भी कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, वो उस तक पहुँच जाएगा। और अभी मुझे ना रेडी होके बस निकलना है, जो मैंने सूट आपको बताया ना मेहंदी के लिए, वो पहनूंगी और अच्छे से तैयार होंगी। ये वीडियो तो मैंने इतनी लंबी कर दी है, तो मैं हो गई हूँ रेडी। कैसा लग रहा है सूट? मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम कंफर्टेबल भी है, कॉटन का है और फिट भी अच्छा है। ये नेक पे ये जो डिज़ाइन है ना, ये इसको थोड़ा सा प्रीमियम लुक दे रहा है। और मेरे घर को ना, आप इधर भी देखिए, सब सामान अभी इग्नोर करना, बिकॉज अभी मैं ज़्यादा टाइम घर में रह ही नहीं रही हूँ, तो मेरा पूरा घर वहाँ पर देखिए, मेरा घर ऐसा पड़ा है ना, ऐसा पड़ा है कि आपको अगर पूरा घर में दिखा दूँ ना, तो लगेगा कि ऐसा भी सरिता घर हो सकता है। बस मैरिज वगैरह हो जाएगी ना, फिर अगले वीक से मुझे टाइम मिलेगा, तो मैं पूरा घर ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और मुझे लग रहा है कि 15 दिन मुझे लग जाएंगे हर चीज़ को समेटने में, बिकॉज बेड से चीज़ें निकालती हूँ, यहाँ से करती हूँ, वहाँ से करती हूँ, और जो रेगुलर भी चीज़ें होती हैं उनको समेटने का मुझे समय ही नहीं मिलता है, इधर उधर ऐसे ही लगी हुई हूँ ना। तो ऐसा कुछ पता नहीं साफ़ आ रहा है या नहीं, थोड़ा सा इससे मैचिंग करके
मैंने आई मेकअप किया है और ज्वेलरी कुछ मैं साथ में लेकर जा रही हूँ। अभी मैं ये पहन के जा रही हूँ तो वहाँ पे चेंज कर लूँगी, बिकॉज फिर बहुत गर्मी है ना और फिर गले में मेरा अजीब सा होने लगता है। बस यहाँ पे ये सिंपल सा मैं अभी पहन के जा रही हूँ और अभी मुझे चूड़ी बस पहननी है, बाकी और सब रेडी है। चूड़ी और बिंदी दो चीज़ मुझे करनी है, बाकी एकदम रेडी। और इस तरीके से मैंने पॉनी टेल कर लिया है क्योंकि इससे पहले मैं हमेशा खुले बाल या वो करके जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, फिर वहाँ किचन में काम करने में बहुत गर्मी लगती है। और इसका जो ये यहाँ पे देख सकते हैं जो सलवार है ना, बहुत ही अलग स्टाइल की है। जो आसपास गंदगी है उसको प्लीज़ इग्नोर करना। कुछ इस स्टाइल की जो है सलवार है, ऐसे यहाँ पे ऐसे एक बो बना हुआ है और नैरो इसका बॉटम है। ये देखिए, हमारे में ये लगता है शादी में या कोई भी मतलब ऐसा चीज़ होती है पूजा वगैरह ना, तो ये माहौल लगाया जाता है, तो ये लगा हुआ है। बस ये सिंपल सा लुक है जो कंफर्टेबल भी रहेगा और ओकेज़न के हिसाब से भी बिल्कुल फिट है। तो चलिए बस मैं पहन लेती हूँ चूड़ी और बिंदी लगा लेती हूँ, थोड़ा बहुत सामान मैं रख लेती हूँ। और हड़बड़ी और प्रेशर में किस किस के साथ होता है कि किस किस का खाना पीना बिल्कुल छूट जाता है। तो मेरा डाइट आजकल ना 30% रह गया है, पता नहीं मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और गर्मी वगैरह इस चीज़ की वजह से नहीं, बस पता नहीं एक हड़बड़ाहट सी एक मन में रहती है हर समय। ये मेरे दिन का ना फर्स्ट मील है, मैं दिखाती हूँ। दोपहर हो चुकी है और ये इतना सा चावल मैं लेकर आई हूँ इतनी सी दाल के लिए, वो भी ज़बरदस्ती मुझसे बोला जा रहा है कि कुछ खा लो नहीं तो बीमार पड़ जाओगी, जो कि मैं ऑलरेडी हूँ। मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से खाना नहीं खाया जाता तो वो सब और वीकनेस हो रही है। और इस लड़के ने भी आज खाना नहीं खाया है। हाँ हेलो, हाँ तो मेरा पेट भी बोल रहा है खाना खा ले। उसका पेट बोलने लगे, इसने भी सुबह से नहीं खाया खाना। चलो मैं कर लेती हूँ फटाफट लंच, फिर निकलते हैं। और यहाँ पे ना लाइटिंग का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत छोटा सा बल्ब मम्मा ने लगा रखा है किचन के अंदर, तो बहुत ये डल दिख रहा होगा सब कुछ। और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, इससे पहले भी बहुत सारा काम तैयारी वैयारी सब हो चुकी है, अभी जस्ट खाना बना के मैं रख दूँगी। इसके बाद जो रस्में हैं ना वो शुरू होने वाली हैं, क्योंकि फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ मटर पनीर और इसके साथ में राइस रहेगा, जीरा राइस, और रोटी सिंपल बनेंगी और दही बड़ा है। तो ये आज का मेन्यू है। हाँ पहले अभी ऐसे ले लेते। हल्दी वाले दिन की जब स्टार्टिंग होती है ना, जब चौकी पे बिठाया जाता है, जिसका मैंने अभी शॉट डाला था, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी। थोड़ा थोड़ा इधर उधर की क्लिप्स थी जो मैं धीरे धीरे शॉर्ट्स के रूप में ही डालूंगी, पूरा प्रॉपर नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि बहुत काम होता है। और जिस दिन फर्स्ट डे होता है उस दिन चौकी रखना, चौक पूरना, चीज़ों का इंतज़ाम करना, एक बार हो जाता है उसके बाद वही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है एवरी डे, तो आसान रहता है। लेकिन जिस दिन सब कुछ अरेंज करना होता है ना, उस दिन काफ़ी भागदौड़ मची होती है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और सब कुछ नए तौर पे करना पड़ता है। तो उस दिन का ज़्यादा क्लिप्स नहीं है, जितनी भी क्लिप्स हैं मैं धीरे धीरे शॉर्ट्स के तौर पर डालती रहूँगी। और आज है मेहंदी, हल्दी अभी हो चुकी है और रात में फिर मेहंदी हुई थी। साथ में ना मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी अटैच कर रही हूँ, सो दैट आप देख सकें कि कैसे सब हो रहा था। Thank you.
बहुत ज़्यादा। मैं उसी ड्रेस में फिर से मिल रही हूँ। टाइम हो गया है 12:15, 12:30 ऐसे कुछ हो रहा है और मैं बहुत एक्सट्रीमली मतलब टायर्ड हूँ, एक्सट्रीमली टायर्ड हूँ। सुबह से जब से उठती हूँ फिर यहाँ का सारा जो भी काम धाम होता है, काफ़ी कुछ माँ जो है आजकल मेरी हेल्प करवा लेती हैं, खाना वाना भी बनाती हैं। फिर मम्मी के यहाँ गई और फिर वहाँ तो क्योंकि अभी सब कुछ एकदम चल रहा है, स्विंग में है, तो वहाँ भी खाना बनाना ये वो हर समय मतलब एकदम काम 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 लगा रहता है। फिर वहाँ से यहाँ आई हूँ और सुबह शादी है और एक दिन की हल्दी थी, मतलब 2 दिन की हल्दी थी। और उस 2 दिन में ना ऐसा कुछ होता है कि 5 पूरे कर दिए जाते हैं, तो उसी में 5 पूरे कर दिए, मतलब 5 हल्दी का रिवाज जो होता है वो पूरा हो गया। आज मेहंदी हो गई, रास्ते में मेरी सूख भी गई मेहंदी। और वैसे भी मुझे यहाँ आके हैंड वॉश करना पड़ा, फेस वॉश करना पड़ा, तो ये तो मैं रख ही नहीं सकती थी, ये सुबह तक लाल हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस हाथ में मैंने इतनी लगवाई है। मेहंदी वाले जो भैया हैं वो बहुत ज़्यादा लेट आए थे, उनको 8 बजे आना था और वो आए 9:30, तो फिर मेहंदी वेहंदी लगाने में। और इसमें मैंने सिंपल ऐसी लगवाई है क्योंकि एक में मुझे ऐसी ही चाहिए थी, कुछ ऐसे ही बीच में गोल वाली, तो मैंने इस हाथ में ऐसी लगवा ली और इस हाथ में मैंने ऐसी लगवा ली। अभी तो मैं फ़िलहाल सो जाऊंगी, सुबह मैं उठूंगी 3 बजे तो नहीं, 4 बजे तक मुझे उठना ही पड़ेगा, तो थोड़े ही टाइम की मुझे नींद अभी मिलेगी। लेकिन अभी मैं बस ये वीडियो एंड करके और सो जाने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कपड़े वगैरह तो मैंने आयरन करके रख दिए हैं। आज मैं ज्वेलरी अपनी चेक कर रही थी तो वो भी मैंने अलग से निकाल के बैंगल्स वगैरह सब रख दिए हैं। फिर भी मेकअप करना, तैयार होना, उसमें समय लगेगा क्योंकि दिन की शादी है, तो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप तो मैं नहीं करने वाली हूँ, बट फिर भी मेकअप में मिनिमम 40 मिनट तो लग ही जाता है अगर आप अच्छे से तैयार हो रहे हो तो। तो देखते हैं जब भी उठूँगी कल का व्लॉग, कल मैं स्टार्ट करूँगी, बट आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए मिलते हैं कल।